गाइस मैं रहमान और आज हम करने वाले हैं महिंद्रा की थार रॉक्स का रिव्यू। भाई एकदम एक कमाल की फाइव डोर महिंद्रा ने गाड़ी बनाई है। इसमें आपको मिल जाते हैं यहाँ पर एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी आपको इसमें फोक लैंप मिल जाते हैं, 19 इंची का आपको स्मेल मिल जाता है और ये ग्राउंड से देखो आपको इसमें कितना आपको क्लियरेंस मिल जाता है। ये सामने की आपको इसमें ऐसी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर महिंद्रा लिखी हुई। ये वाइट कलर की गाड़ी है भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपको फोक लैंप मिल जाते हैं ये। और भाई ये साइड में आपको इसका ऐसा एंटीना मिल जाता है, ये इसका मिरर का है। यहाँ पर इसका 360 आपको कैमरा मिल जाता है, सामने एडास भी है वहाँ पर। और ये वाइट कलर में आपको गाड़ी मिल जाती है 19 इंच अलॉय के साथ। ये देखो साइड में आपको इसका ये मिल जाता है, अगर आप इसको ब्लैक करा लो भाई और भी बढ़िया लगती है। पीछे से कुछ इसका ऐसा लुक देखने को मिलता है आपको, देखो कितनी प्यारी भाई ये गाड़ी लग रही है। और यहाँ पर आपको इसके सी कट के साथ में पीछे की हेडलाइट मिलती है। और अब दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस कितना है। भाई बूट स्पेस इसमें आपको इतना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है देखने के लिए, देखो कितना तकड़ा आपको काफ़ी मतलब इसमें इस बार बूट स्पेस महिंद्रा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी भी एकदम ये दमदार बनाई गई है, पहले इसकी इतनी बुकिंग चली गई जैसे महिंद्रा ने कहा था ना कि स्कॉर्पियो ने अच्छी बिकी की, ऐसी ये भी इतनी जा रही है। इसके ऐसे आपको चाबी मिल जाती है भाई, कुछ ऐसा लुक इसका आपको यहाँ से दूर से देखने को मिलेगा पीछे से। ये देखो इसकी अभी ब्लैक फिनिश के साथ में एकदम बढ़िया, जो थ्री डोर है उससे काफ़ी बेटर है ये देखने में, एकदम स्मूथ ब्लैक फिनिश के साथ है ये। और ये इसका आपको इधर से ऐसे देखने को मिलती है। और अब आपको इसमें अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं इसका इंटीरियर कैसा मिल जाता है आपको देखने के। ये देखो यहाँ पर इसके ऐसे ब्लैक फिनिश के साथ में मिरर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ भी इसका इसमें 360 कैमरा का मिल जाता है, फोल्डिंग इसमें मिरर दिए गए हैं, हरमन कार्डोन के आपको इसमें स्पीकर मिल जाते हैं। चलो तो बैठते हैं, यहाँ पर इसका पुश बटन मिल जाता है और ये 3 एडजस्टेबल सीट्स, ये देखो एडजस्टेबल आपको इसमें सीट्स मिल जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे बिल्कुल मर्सिडीज़ की फीलिंग्स वाले दे रखे हैं यहाँ पर इसके कंट्रोल्स। और आपका हम बैठ के दिखाते हैं अंदर से, ये देखो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, पर ये होगी स्टार्ट। और इसमें आपको पैनारोमिक ऊपर सनरूफ मिल जाता है, स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है गाड़ी में देखने के लिए। एसी के यहाँ दोनों तरफ कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, स्टेरिंग भी बिल्कुल डी कट के साथ में स्पोर्ट्स मोड, देखो भाई कितनी स्मूथ ये एकदम घूम रहा है। और ये सामने आपको इसकी स्क्रीन मिल जाती है देखने के लिए, 10 इंच की यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन है, ये भी एकदम स्मूथ चल रही है। एप्पर कारप्ले मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ट्रैक्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स हैं सामने एसी के सब कंट्रोल्स, 4x2 ये मॉडल है गाइस मैनुअल ट्रांसमिशन में। यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है और ये आर्म रेस्ट, अगर आपको सामान रखना हो यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। और डैशबोर्ड देखिए भाई गाड़ी गाइस, गाड़ी का कितना कमाल का इन्होंने कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड बना के दिया है ब्लैक और वाइट के साथ में, ये भी एकदम कितना सॉफ्ट है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है ये। सामने मिरर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर इसके सनरूफ के कंट्रोल्स, दोनों तरफ आपको लाइट मिलती है ऐसी। और यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ भाई गाइस, और ये सामने इसका मिरर है इतना बढ़िया, एकदम कमाल की ये गाड़ी बना रखी है महिंद्रा ने। स्पेस में भी इसमें काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्पेस आपको मिल रहा है। और ये इसकी आपको ऐसी चाबी मिल जाती है अंदर से। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका पीछे से स्पेस, पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसका ऐसा डोर का मिल जाता है, और आप बैठ के देखते हैं। मतलब कि मुझे भी कोई वो नहीं हो रहा कि फील हो रहा है, पीछे भी आपको दोनों तरफ ऐसे मिल जाते हैं, पर सी टाइप का ही मिल जाता है सामान रखने का। ये देखो कुछ ऐसे लगती है पीछे से देखने में गाड़ी, एकदम कमाल की, कोई बिल्कुल कंफर्ट गाड़ी में बैठने में है। स्पेस भी काफ़ी दिया गया है इस बार इस गाड़ी में, यहाँ पर भी आपको इसके स्पीकर मिल जाएंगे दोनों तरफ। और ये देखो तो गाइस अब करते एंड, और आज इसमें टेस्ट ड्राइव हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, वरना हम आपको टेस्ट ड्राइव भी दिखा, क्योंकि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाना लेते, अगली बार आपको दिखाएंगे इसकी टेस्ट ड्राइव। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।